वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में शादियों में दनादन फायरिंग के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी तमंचे पर डिस्को करते हुए बारातियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। सरकार एक तरफ जहां अपराधियों की कमर तोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं अपराधी अभी भी बेखौफ नजर आ रहे हैं। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चंबल इलाके के मुरैना की एक शादी में महिला डांसरों के डांस पे बारातियों द्वारा दनादन फायरिंग करने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में स्टेज पे कई बाराती महिला डांसरों के साथ बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। बारातियों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। बाराती महिला डांसर के साथ स्टेज पे नाचता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं एक बाराती ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिख रहा है, जिसके बाद स्टेज पे मौजूद कई बाराती अपनी बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। वहीं पंडाल में बैठे बारातियों के द्वारा भी लगातार फायरिंग की जा रही है, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस जानकारी जुटाने में जुट गई है कि इसमें कौन कौन से युवक थे। हैरान करने वाली बात यह है कि किसी ने भी इस फायरिंग को रोकने की हिम्मत नहीं उठाई। वीडियो वायरल होने के बाद मुरैना पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागड़ी का कहना है कि वीडियो को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस वीडियो में फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं, उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे, साथ ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ये वीडियो मुरैना जिले की चिनौली थाना के क्षेत्र के खिडौरा गांव का भीड़ के बीच अंधाधुंध हवाई फायरिंग हो रही है, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। देखिए, जो इसमें पुलिस के कंसर्न का मामला है कि उसमें कुछ लोग, एक वीडियो आया है हमारे पास में खिडौरा गांव का, उसमें कुछ लोग जो है हर्ष फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी पुलिस जो है पहचान कर रही है, हम उन पर FIR कर रहे हैं 336 की। साथ में ये भी वेरीफाई कर रहे हैं कि जो लोग के पास में हथियार हैं वो लाइसेंस उनके नाम पर है या नहीं है, नंबर दो। और तीसरा जो है, यदि वो बंदूक लाइसेंसी हैं तो लाइसेंसी बंदूक उन सभी का लाइसेंस निरस्त करवाया जाएगा। उसका प्रपोजल हमने TI को बोल दिया है कि उसका प्रपोजल बना करके भेजें, और कलेक्टर साहब से भी हमारी बात हो गई है, उनकी लाइसेंस निरस्त हो गई। वहीं से पहले बीते दिनों 12 अप्रैल को छतरपुर में एक चौक समारोह में कुछ युवकों ने महिला डांसर के साथ नाचते हुए हवाई फायरिंग की थी। वहीं 8 अप्रैल को शिवपुरी में बर्थडे में हर्ष फायरिंग के दौरान एक बच्चे की आंख में गोली का छर्रा लगने का मामला भी सामने आया था। इस खबर पे क्या राय आपकी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मध्य प्रदेश की तमाम ताजा खबर जानने के लिए देखते रहे वीके न्यूज।